हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बर्ड लवर देवजी। तो यहाँ पर जो जावास्पारो का सिल्वर जावास्पारो का चिक्स आप देख पा रहे होंगे, इसको इस टाइम पर जो सीड मिक्स मैं प्रोवाइड करता हूँ वही जो वीडियो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जावास्पारो को कौन सा बेस्ट सीड मिक्स मैं प्रोवाइड करता हूँ और ये वीडियो में वही सब बताएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और पसंद आए तो एक लाइक कर देना। जो भी वास मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते और बताते हैं कि जावास्पारो का जो सीड मिक्स मैं कैसे प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है ना, कैसे बनाता हूँ। और यहाँ पर देख सकते जो 12 कॉलोनी है वहाँ पर एक बार देख लीजिए, यहाँ पर जो चिक्स है वो कुछ चिक्स अभी 80% चिक्स अभी बाहर आ चुका है और कुछ ने भी तो अंडा भी दे चुका है और कुछ में जो चिक्स अभी मटकी से बाहर आना बाकी है, ठीक है ना। तो इस टाइम पर ही मैं बेस्ट सीड मिक्स आपके साथ शेयर करूँगा और विंटर का जो सीजन है वो आने वाला है, तो इसीलिए मैं जो सीड मिक्स आपको साथ में तैयार करता हूँ भी इस टाइम पर, तो वही मैं इस वीडियो में आपके साथ दिखाऊँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कॉलोनी में जो छोटा छोटा चिक्स आप देख पा रहे होंगे वो नीचे आ चुका है और खेल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते मेरे जो एक बर्तन ले लिया है और इसमें जो सीक है वो देख के आपको क्वांटिटी और क्वालिटी आपके साथ चेक कराएंगे, ठीक है ना, और कितना क्वांटिटी में देता हूँ। और यहाँ पर देख सकते जो सापेक्ष बारा बीच कागनी मिलता है वही कागनी मैंने ले लिया है और कम क्वांटिटी में अभी मैं बनाऊँगा क्योंकि मेरे पास सीड मिक्स ऑलरेडी है। तो यहाँ पर देख सकते ये जो 12 बीच कागनी गिलास्टा एकदम सफ़ेद वाला फेस जो कांगनी मिलता है वो मैं प्रोवाइड किया है। और इसके बाद जो देंगे ओट्स आपका जो जावास्पारो वो देने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है क्योंकि मैं पहले ओट्स नहीं देता, अभी मैंने जावास्पारो को ओट्स देना स्टार्ट किया है और मेरा जो जावास्पारो है वो बहुत ही शौक से खा रहा है, ठीक है ना। ओट्स आप जरूर से ज़रूर प्रोवाइड करना मिक्सिंग में, लगभग 5% भी आप चाहे तो ओट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और चलिए अभी जो देते हैं वो पैडी आपको 75% आपको देना है। तो पैडी आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरीके से जो धूप में सुखाया हुआ है, पैडी बहुत ही ज़्यादा जावास्पारो शौक से खाता है। और आप जो कुछ भी खाना हो जितना चाहे आप धूप में सुखो के प्रोवाइड करेंगे, धूप में दे के प्रोवाइड करेंगे तो उसका हेल्थ बाट को बहुत ही ज़्यादा बाट के हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं मैं जो पैडी ऐड कर रहा हूँ, पैडी आपको 75% जो जावास्पारो का सीड मिक्स में प्रोवाइड करना होगा क्योंकि पैडी खाना बहुत ही ज़्यादा जावास्पारो पसंद करता है। और फिर आते हैं मिलेट और कैनरी वगैरह, ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है बाट के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं रेड मिलेट है, वाइट मिलेट है, ब्लैक मिलेट है और ज़्यादा क्वांटिटी में उससे ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने कैनरी सीड प्रोवाइड किया है, ठीक है ना। और जो ब्लैक मिलेट है वो थोड़ा सा कम प्रोवाइड करना क्योंकि ब्लैक मिलेट बहुत ही ज़्यादा बाट के शरीर में हीट पैदा करता है और जितना क्वांटिटी भी होगा उसका एकदम कम क्वांटिटी में आप ब्लैक मिलेट प्रोवाइड करना। और इसको मैं अच्छी तरीके से एक साथ मिला के प्रोवाइड करता हूँ और आप चाहे तो अलग जो कैनरी वगैरह है वो अलग से प्रोवाइड करना क्योंकि जो आप सीड मिक्स जब प्रोवाइड करेंगे तो आपका जो जावास्पारो है वो देखना सीड मिक्स चारों तरफ फेंक देता है, इसीलिए जो अलादा बर्तन है उसमें आप कैनरी सीड प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मेरा मदर प्यार है इसमें सारा चिक्स बाहर आ चुका है और इसने जो मदर है वो भी अंडा दे चुका है और उसमें भी थोड़ा कुछ दिन के बाद ही चिक्स आ जाएगा, ठीक है ना। और ये सीड मिक्स में आपने जावास्पारो को जरूर से ज़रूर प्रोवाइड करता हूँ। और एक मैं सजेशन में आपको करता हूँ कि आप जब चिक्स रहेगा तो आप सुबह के टाइम पर जो आप 10 बजे या 11 बजे आप जरूर से जरूर सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करते हैं, लेकिन दो जो शाम के टाइम पर जब बाट्स रात का खाना खाता है शाम के टाइम पर 5 से 5:30 बजे या 4 से 4:30 बजे उस टाइम पर आप सीड मिक्स तो दे रहे होंगे लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके जब कैनरी सीड प्रोवाइड करेंगे तो उसका जो प्रोटीन है और जब चिक्स खाएगा और वो रात में जब खाएगा शाम के टाइम पर जो खाएगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप हर रोज़ शाम के टाइम थोड़ा थोड़ा करके कैनरी सीड प्रोवाइड करेंगे तो बाट के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एक कोई भी जो बीडर है कोई भी नहीं बताएगा लेकिन मैंने बताया आपको,
यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर 3 बर्तन है। ये जो मिट्टी का जो बर्तन है यहाँ पर मेरे मिलेट वगैरह कैनरी वगैरह अलग से प्रोवाइड किया है। मिलेट मिक्सिंग तो मैंने दिया है लेकिन ये सब अलग से प्रोवाइड किया है शाम के टाइम पर, ताकि बाट का जो हेल्थ और क्वालिटी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है ना। ये सब प्रोवाइड करेंगे तो बाट को बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और बाट शौक से खाता है, ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। और एक बार हाँ, क्वांटिटी में आपको बता देता हूँ 1 kg में, ठीक है ना। आप 600 ग्राम या 500 ग्राम आप पैगी प्रोवाइड करना, और 200 से 250 ग्राम आप 200 या 250 ग्राम 250 ग्राम आप जो डिलक्स का दाना फेज 12-12 वो प्रोवाइड करना, और 100 ग्राम आप ओट्स प्रोवाइड करना, और 100 ग्राम मिलेट वगैरह कैनरी वगैरह प्रोवाइड करना, ठीक है ना। कैनरी थोड़ा आप ज़्यादा करके भी प्रोवाइड कर सकते हैं और मिक्सी में चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन अलग से आप एक बर्तन में कैनरी प्रोवाइड करेंगे तो बाट शौक से खाता है और जो दाना है वो नष्ट कम करता है, ठीक है ना। इससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा और दाना भी आपको ज़्यादा बचेगा और बहुत ही ज़्यादा जावस वो नष्ट कर देता है, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं मिक्सिट अपने जावास्पर को तैयार करता हूँ और इससे मेरा जो जावास्पर बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रीडिंग करता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर से कमेंट करके बताना। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करना, मैं जो रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।